नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको छत के ऊपर का पैरापेट वाल का डिज़ाइन एक दिखाना चाहता हूं। इसका खासियत ये है कि बहुत ही कम पैसे में बन जाता है और आपके घर को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। लास्ट में इसका फुल लुक भी दिखाऊँगा इस घर का, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि जब छत की ढलाई हुई थी उसी समय यहाँ पे 3 फीट बाहर छज्जा निकलवा लिया गया था और उसके आगे लगभग 17 इंची स्लोप डिज़ाइन में भी छज्जा आप निकला हुआ देख पा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए पैरापेट वाल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मात्र 5 इंच का ईंट की जोराई से ही बनाया गया है। और अगर आप इस टाइप का बनवाते हैं पैरापेट वाल, तो आपका घर का सुंदरता है वो तो बढ़ता ही है और साथ साथ ईंट की भी बचत होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंची का दीवाल है, उसी में पाइप को जाम कर दिया गया है बिल्कुल लेवल में। लेवल का आपको खासा यहाँ पर ख्याल रखना होगा। और देख पा रहे हैं कि जहाँ पे पाइप को दीवार में लगाकर जाम किया गया है, उसके चारों तरफ से देखेंगे तो आपको पट्टी डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा होगा, जिससे और भी इस डिज़ाइन की खूबसूरती बढ़ गई है। तो जब एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ इससे कलर किया जाएगा, तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, मैं आपको इस डिज़ाइन का फुल लुक दिखा दे रहा हूँ। पैरापेट का जो रेलिंग है उसे आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत ही कम पैसा में बन जाने वाले ये डिज़ाइन भी है। तो देख लीजिए, कुछ इस टाइप से इसे बनाया गया है। जो आप देख पा रहे जो स्लोप डिज़ाइन का छज्जा है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्लास्टर के द्वारा सीढ़ीनुमा डिज़ाइन बनाया गया है, ताकि वहाँ पे पानी न रुक सके। और उस पर भी डिफरेंट कलर का उपयोग करेंगे पेंटिंग के समय, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि किस तरीके से छज्जा को निकलवाना है, जिससे सारी चीज़ें आप लोग के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, 3 फीट बाहर आपको छज्जा निकलवाना है लगभग लगभग। अगर 2.5 फीट भी आप पहले से बनवा चुके हैं, कोई बात नहीं, वहाँ भी आप डिज़ाइन लगा सकते हैं, या फिर छत के ऊपर भी आप इस टाइप से इस डिज़ाइन को बनवा सकते हैं। छज्जा निकालते हैं तो वहाँ पर आपको बीम देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि छज्जा की मजबूती भी बनी रहे। तो देखिए, आपको इस टाइप का बीम निकलवा लेना है, कैंटिलीवर बीम, और वहीं से आपको स्लोप डिज़ाइन में जब छत की ढलाई होगी उसी टाइम इस टाइप का ढलाई है वो छज्जे के करवा लेना है। तो उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।